रंगरा के मंदरौनी गांव में मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर 8 जनवरी को श्री शिव शक्ति योगपीठ नवगछिया के तत्वावधान में और परम पूज्य बाबा आगमानंद के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 मंदरौनी गांव के बजरंग बली मंदिर के पास निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन 8 जनवरी को किया जाएगा। जानकारी देते हुए आयोजन मंडल के संयोजक मंदरौनी के मुखिया अजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ने कहा कि शिविर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के अलावा मुफ्त लेंस भी दिया जाएगा। मुखिया ने कहा कि वैसे लोग जिन्हें आंखों की समस्या है वे भी शिविर में आकर चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं। अजीत कुमार सिंह ने कहा कि शिविर को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। रंगरा पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 4 लोगों से वसूल किया 200 रुपये जुर्माना। रंगरा पुलिस द्वारा चलाए गए मास्क चेकिंग अभियान में मास्क नहीं पहनने वाले कुल 4 लोगों से 200 रुपये जुर्माने की राशि वसूल की गई है। थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि रंगरा थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर रोजाना मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक से अपील है कि वे घर से निकले तो मास्क अवश्य पहने। सधुआ चापर पंचायत में ग्राम विकास शिविर का आयोजन। रंगरा प्रखंड के सधुआ चापर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय चापर में गुरुवार को ग्राम विकास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड से संबंधित आवेदन लिए गए और उपरोक्त योजनाओं की समीक्षा भी की गई। पंचायत वासियों ने गांव की कुछ समस्याओं को भी शिविर में रखा, जिस पर पदाधिकारियों ने सकारात्मक आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, अंचलाधिकारी आशीष कुमार, पंचायत सचिव दीनबंधु कुमार सिन्हा, मुखिया मंजू देवी, कार्यपालक कुणाल कुमार, रंगरा प्रमुख मोती यादव उर्फ संजीव कुमार, GPS अजय कुमार झा के अलावा कई ग्रामीण मौजूद थे। रंगरा PHC में कोरोना जांच, रैपिड एंटीजन से 184 लोगों का जांच किया गया तो 70 का हुआ RT-PCR। रंगरा PHC में बुधवार को रैपिड एंटीजन किट से कुल 184 लोगों का जांच किया गया। जांच के बाद सबों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रंगरा के PHC प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने बताया कि 144 लोगों के अलावा 70 लोगों का RT-PCR कर सबों के सैंपल को भागलपुर जांच के लिए भेजा गया है। सबों का रिपोर्ट 2 दिन बाद आना है।